हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे मूवी के बारे में जिस मूवी का नाम है अर्ध। और ये मूवी मुझे काफी अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं तो बता देता हूँ, ये मूवी कोई थिएटर में रिलीज नहीं हुआ, ये मूवी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और टाइमिंग बता दूँ तो ये 1 से 1.25 घंटे का टाइम है, 1 या 1.25 घंटे का, आप घर पे देख सकते हो। इस मूवी में सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो मुझे पसंद है, कैरेक्टर का नाम है राजपाल यादव, जो इस मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर है। और इस मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट कीजिए क्या लगा मुझे कि एक एक्टर अपने लाइफ को कैसे स्ट्रगलिंग करके एक लेवल आगे कैसे जाता है। तो राजपाल यादव ने इस मूवी में यही दिखाया है, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को, कैसे वो गरीबी के दिन, वो कैसे अपने दिन काट काट के स्टूडियो में कहाँ कहाँ पे जाके वो अपने फिल्म सिटी में अपना हीरो एज ए साइड विलेन या फिर साइड हीरो साइड कैरेक्टर के बारे में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो इस मूवी में उस चीजों को बारीकी से ध्यान दिया गया है। तो वैसे ये मूवी काफी अच्छा है और इस मूवी से काफी चीजें सीखने को मिली मुझे। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ मुझे आपको शेयर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजपाल यादव ने जैसे अपने स्ट्रगलिंग के लाइफ को लेके एक जर्नी स्टेप को लेके एक हीरो लेवल तक, एक आगे लेवल तक बढ़ा, तो ऐसे हमें अपनी लाइफ में भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि हमें जब कोई चीज का हम गोल बनाते हैं, स्ट्रगलिंग का टाइम स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग के टाइम पे स्ट्रगल करते आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग के टाइम पे रुक जाते हैं। तो दोस्तों हमें इस मूवी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने स्ट्रगलिंग टाइम को आगे लेके बढ़ना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। आपको ये मूवी मेरे हिसाब से काफी अच्छा लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी को अगर मुझे पर्सनली रेटिंग देना है तो 4.5 मैं जरूर दे सकता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।